मोदी जी के इंतज़ार, मोदी का मेगा शो और रोड शो का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या राय है बनारस की महिलाओं। जी मैम, कहाँ से हैं आप? डाफी से। डाफी से तो अभी तक मोदी जी के रोड शो का इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, 2 घंटे से। क्या लगता है बनारस में? बहुत अच्छा लगता है। मोदी आएंगे? क्या लगता है? एकदम मोदी 100% कन्फर्म। बनारस से ही? बिल्कुल। हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी ने विकास में बनारस में महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं बहुत कुछ सेफ है बनारस में, महिलाएं सेफ। बिल्कुल बिल्कुल। रात के 10 बजे भी, 10:30 बजे भी हम लोग ऑफिस से जाते हैं, बहुत आराम से घर पहुँचते हैं। जी सर, अंकल क्या लगता है मोदी जी दोबारा बनारस? बिल्कुल बिल्कुल, कोई और दूसरा विकल्प है ही नहीं है। विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं है। और भी महिलाएं हमारे साथ, कहाँ से आई मैम आप? मैं दरभंगा का रहने वाली हूँ। दरभंगा से आई है तो मोदी जी के रोड शो के लिए यहाँ पर आई? हाँ, देखने के लिए आई है। अच्छा, क्या लगता है? अच्छा लगता है। यहीं से? हाँ, बनारस से। मोदी जी के? हाँ, मोदी जी को तो पूरा जान आज रहा है। अच्छा, मोदी जी के लिए यहाँ लोग कह रहे हैं। जी मैम, कहाँ से? बनारस से। बनारस से क्या लगता है आपकी बार मोदी जी दोबारा? हाँ, 100% मोदी जी ही आएंगे। 100 में हल्लो महिला मोर्चा से हैं। महिला मोर्चा से हैं आप? मोदी जी के लिए। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी मोदी जी की उत्साह है। कहाँ से? जीतेगा भाई, जीतेगा, नरेंद्र मोदी जीतेगा। नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे, पक्का विश्वास है पूरा? यस। कहाँ से हो? संकट मिशन से। बनारस से ही हो? अच्छा जी मैम, क्या लगता है आपकी बात? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी वाराणसी से हूँ। माननीय मोदी जी के विकास पे आज बनारस की जनता जिस प्रकार से उमड़ के आई है, ये बनारस की स्थिर जनता है और माननीय मोदी जी के विकास पे आज सारी जनता आई है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि माननीय मोदी जी काशी के विकास के लिए और पूरे देश के विकास के लिए जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये अपने में ही अद्भुत है। मोदी के इंतजार में अभी तक आप सब यहाँ? अलावा मोदी के हर हर मोदी का नारा चलता है, हर हर मोदी का नारा चलता है, बस मोदी ही आएंगे। बनारस में मोदी जी ने काम किया है? जी बहुत काम। क्या नहीं किया उन्होंने, क्या नहीं किया? सरकार से, आपकी सरकार में क्या बड़े बदलाव हुए हैं? देखिए, भ्रष्टाचार और अपराध का नियंत्रण हुआ है और पिछली सरकार ने लगातार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, ये उसको समाप्त करके माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसके लिए पूरी जनता बनारस की धन्यवाद देती है। कहाँ से? बनारस से हूँ। बनारस से ही है आपकी बार? मोदी सरकार। मोदी को ही है? हाँ जी मैडम, मोदी को ही वोट देना है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर दूर दूर तक लंबी लंबी कतारें हैं और मोदी जी का सभी अभी तक वेट कर रहे हैं। मोदी का मेगा शो रोड शो में बस कुछ ही टाइम बचा है शुरू होने में। क्या लगता है? 3 बजे का टाइम था मोदी जी अभी तक? मोदी जी को 3 जगह जाना है, ये अंतिम पड़ाव है उनका। 3 स्टेट गए हैं, भागलपुर और बंगाल और बाधा होकर के उनको यहाँ आना है। 3 सभा करने के बाद क्या लगता है बनारस में दुबारा? एकदम 100% दोबारा देश के प्रधानमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं। मैं हूँ चौकीदार। इस बार फिर आने वाले हैं कोई पूर्ण बहुमत के साथ। मैडम, 3,80,000 वोट से मोदी पिछली बार यहाँ से जीते थे, 6 लाख वोट से अधिक से इस बार जीतेंगे। मैं हूँ मोदी की।